Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। भाई और बहनों, उड़ीसा का अंदर में बहुत संभावना है, बहुत संपद है। एक बार मोदी जी को उड़ीसा मिल जाते हैं ना, 5 साल में उड़ीसा देश का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, ये हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, आप लोग डबल इंजन का सरकार बनाइए। ये पांड्या नांडियान का चक्कर छोड़ने का समय आ गया, उनको भी तमिलनाडु भेज देना है। उधर रहो, उधर जो करना है करो, उड़ीसा को छोड़ दो। उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग ही निर्णय करेगा। मोदी जी का नेतृत्व में उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग तैयार करेगा। ये मैसेज इस बार चुनाव में हमें देना है। देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है तो तब याद रखिए, दोनों बैलेट में कमल फूल में सांप लगाना है। एक में लगाने से नहीं होगा, ऊपर में लगाने से नहीं होगा, ऊपर में भी लगाना पड़ेगा, नीचे में भी लगाना पड़ेगा, और 10 जून को बीजेपी सरकार भुवनेश्वर में बनाना पड़ेगा। मैं असम से आया हूं और असम में मां कामाख्या विराजमान होता है, उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान होते हैं। ये दोनों भूमि हमारे भारत का सभ्यता और संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है, और आज आप लोगों का बीच में उपस्थित होके मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भाई और बहनों, चुनाव आ रहा है। हमारे विश्वरंजन जी ने आप लोगों को हमारे इस इलाका के बारे में, साथ में उड़ीसा का हालत का बारे में आप लोगों को अच्छा से बताया। मैं आप लोगों को थोड़ा ही बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने आज ये सभा में आया हो, और जब हम लोग घर जाके लौटेगा, हम ये विश्वास लेके जाऊंगा कि इस बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, साथ साथ में उड़ीसा में भी हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये संकल्प लेके आज हम यहां से घर जाऊंगा। भाई और बहनों, आज आप देख रहा है हमारा देश का विकास हो रहा है, चारों ओर हमारा देश का गरिमा आज पूरा विश्व में आज उद्भासित हो रहा है। आज हमारा देश विश्वगुरु बनने का रास्ता में जा रहा है। आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जब पूरा देश विकास हुआ है, वो समय अगर हम उड़ीसा का तरफ देखता हूं, उड़ीसा में जितना विकास होना चाहिए था इतना विकास हो नहीं पाया। आज आप देखिए, हमारे यहां से नजदीक अगर छत्तीसगढ़ का तरफ हम लोग देखता हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सरकार हमारे गरीब किसानों से 3,100 रुपया में धान खरीदता है, लेकिन हमारा उड़ीसा में 2100 रुपया में धान खरीदा जाता है, साथ में कटनी सटनी भी होता है। आज आप उड़ीसा का छोड़ के अगर आप मध्य प्रदेश देखते हो, तो मध्य प्रदेश का माताओं बहनों को हर महीना 1,250 रुपया लाडली लक्ष्मी योजना मिलते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ का तरफ देखता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारा माताओं को बैंक अकाउंट में हर महीना 1,000 रुपया आते हैं। अगर मैं
मेरा असम प्रदेश का बात करता हूं तो असम प्रदेश में हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना आते हैं, लेकिन आज हमारा उड़ीसा में माताओं के लिए बहनों के लिए कोई मदद नहीं होता है। खाली आज हमारा शोषण होता है, हमारा कुछ सरकार से मदद नहीं होता है। आज आप लोग देख सकता है जब से नवीन बाबू मुख्यमंत्री बना है, खास करके लास्ट 5 साल में हमारा उड़ीसा का युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिला है। आज हमारा सरकार में 1.5 लाख नौकरी वैकेंट है, लेकिन उड़ीसा का युवाओं को नौकरी नहीं मिलता है। आज अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे जतनी में यहां में सब कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन हमारे लोकल युवाओं को यहां में नौकरी नहीं मिलता है। आज उड़ीसा का युवा पलायन करके दूसरा प्रदेश जा रहा है, इसीलिए आज हमें उड़ीसा का विकास के लिए हमें डबल इंजन सरकार बनाना है। दिल्ली में भी मोदी जी का सरकार होगा, उड़ीसा में भी मोदी जी का सरकार होगा और भारत में हमें मिलकर उड़ीसा को नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यही संकल्प का साथ हमें वोट देना है। भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा मोदी जी जो बोलते हैं मोदी जी वो काम करके दिखाता है। जब 2019 का चुनाव हुआ था वो समय मोदी जी बोला था अगर हमारा बीजेपी का सरकार आते हैं हम अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। लोग सोचा था कि ये मंदिर बनाना संभव नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व था, आज हमें भव्य राम मंदिर सबको मिल चुका हो। आज अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। भाई और बहनों, मोदी जी ने, अपराजिता दीदी भी आ चुका है, मैं थोड़ी बोलूंगा, अपराजिता जी दीदी आपको ज्यादा बोलेगा, ठीक है ना। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब मोदी जी बोले थे कि अगर हमको बीजेपी का सरकार बनाने का मौका मिलता है हम आर्टिकल 370 खत्म कर दूंगा। मोदी जी ने बोला था अगर हमारा सरकार आते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आऊंगा। मतलब मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। अभी कांग्रेस लोग पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मैं कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं मोदी जी को 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में लाना चाहता हूं। हम हमारा जो कश्मीर है वो जो पाकिस्तान का कब्जा में है उनको हम आज भारत में लाना चाहता हूं, इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई और बहनों, नवीन बाबू बोलते हैं कि बीजेपी उड़ीसा के लिए क्या करेगा। हम हर सभा में बोला हूं कि बीजेपी को अगर एक बार उड़ीसा शासन का मौका मिल जाते हैं ना तो उड़ीसा को हम देश का नंबर 1 प्रदेश बनाते रहूंगा, ये हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे किसानों को प्रति क्विंटल धान में 3100 रुपया मिलता है बिना कटनी और साटनी का। हमें ये भी आप लोगों को हम वादा करना चाहता हूं जब हमारा उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बन जाएगा हम भी धान में 3100 रुपया MSP देने का काम करेगा, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में
माताओं का ख्याल रखा जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में माताओं का ख्याल रखा जाते हैं, असम में माताओं का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उड़ीसा में माताओं का ख्याल रखा नहीं जाता है, खाली पंडियान का ख्याल रखा जाता है। हम ठीक बोला है ना? तो हमारा उड़ीसा को पंडियान को ख्याल रखना ये हमारा सरकार का काम नहीं है। हमारा सरकार का काम है युवाओं के लिए काम करना, माताओं के लिए काम करना। इसीलिए जब बीजेपी सरकार हमारा प्रदेश में बनेगा, हम सुभद्रा योजना का शुरू करूंगा। हर माताओं को 50,000 रुपया का भावसार मिलेगा। जब चाहे माताओं बैंक में जाए, कूपन दिखाइए और 50,000 रुपया घर में लेके चला आए। भाई और बहनों, आज आप लोग देख सकता है उड़ीसा सरकार में 1.5 लाख जॉब खाली पड़ा हुआ है। आज अपराजिता जी भुवनेश्वर में बता रहा था, उड़ीसा देश में अनएम्प्लॉयड का जो मानदंड है उसमें 1 नंबर प्रदेश बन चुका है। जब मैंने असम का मुख्यमंत्री बना, मोदी जी ने मुझको बोला कि हिमन, 1 साल में तुमको 1 लाख नौकरी देना पड़ेगा, और मैंने गंती कर करके 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी दिया। और आज से 2 महीना पहले और 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर लिया हो। असम उड़ीसा से बहुत छोटे प्रदेश है। बीजेपी सरकार का ये आप लोगों के लिए कमिटमेंट होगा, हमारा जब बीजेपी का सरकार बनेगा, हम उड़ीसा का 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का हम काम करेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, मैं उड़ीसा में आया और उड़ीसा में आने का बाद उड़ीसा का बारे में कुछ सीखने मिला। हम सब जानता हूं कि हमारे जो महाप्रभु जगन्नाथ है, ये उड़ीसा का तो स्वाभिमान है ही, उड़ीसा का तो गौरव है ही, हमारा भारत का हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाते हैं। आज आप देखिए जगन्नाथ महाप्रभु में मंदिर में क्या हो रहा है। आज हम यहां बोल सकता हूं, सबको मालूम है कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी भी गायब है, और चाबी आज किसी का हाथ में नहीं है। उड़ीसा सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी किया, इसका रिपोर्ट भी असेंबली में पेश नहीं किया। एक समय मुगलों ने बाबर का मस्जिद बनाया था राम मंदिर में, आज लोगों ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, लेकिन हमारा उड़ीसा जो जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद से हम सब लोग जीता हो, वही जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार का सभी गायब है। नवीन बाबू चुपचाप है, नवीन बाबू कुछ नहीं करता है। मैं जानता हूं, मैं पक्का जानता हूं, ये सभी पांडियन छुपा के रखा है। ये पांडियन का साथ जरूर होगा। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूं, पांडियन सुन लो, अगर ये सभी आप 10 जून का पहले देता है तो दे दो, नहीं तो बीजेपी का सरकार बनेगा, साबी अगर पाताल में भी है, हम साबी खोज करके निकाल के ले आएगा। मैं पंडियान को रिक्वेस्ट करूंगा, आपका 10 जून तक आपका समय है, हमें रत्न भंडार का साबी हमें चाहिए, और ये साबी आपका पास है, ये साबी आप निकाल के हमें दीजिए। उड़ीसा का जनता का हाथ में साबी को हवाला कीजिए, नहीं तो 10 जून का बाद प्रभु जगन्नाथ आपका कैसा विचार करेगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये साबी और कोई नहीं है, ये साबी कहां है पंडियन जानते हैं, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट
असेंबली में प्लेस करने और नहीं देते हैं। लेकिन निश्चित रहिए, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है, मोदी जी रत्न भंडार का चाबी भी निकाल सकता है, ये पक्का हमारा वादा है और वो चाबी हम निकाल के दूंगा। भाई और बहनों, मैंने उड़ीसा में आया, उड़ीसा में मैंने क्या देखा, हमारा मोदी जी उड़ीसा के लिए चावल भेजते हैं, हर लोगों को हर महीना 5 केजी चावल मिलते हैं, और हमारा परिवार अगर 5 का होते हैं 25 केजी चावल मिलते हैं, 35 केजी चावल मिलते हैं, और ये पंडियान क्या करता है, मोदी जी चावल भेजते हैं और पंडियान हमारा हाथ में झोला पकड़ देते हैं, खाली झोला, झोला का अंदर कुछ नहीं है। एक उनका फोटो है, नवीन पटनायक जी का फोटो है, और झोला घर में आप लोग लेके गया होगा, झोला का अंदर में कुछ नहीं है। चावल भेज रहा है मोदी जी और झोला दे रहा है पंडियान साहब। अरे पंडियान साहब, आपका अगर दम होता था, मोदी जी 5 केजी चावल देते थे, आप झोला में कम से कम आधा केजी दाल दे सकता था कि नहीं, कम से कम आधा केजी दाल दे सकता था कि नहीं सकता था। अगर मोदी जी का चावल से हमारा भात बनते थे, अगर आप आधा केजी दाल दे देते थे, हमारा दालमा भी बन जाते थे। लेकिन आपने हमको दाल भी नहीं दिया, खाली झोला पकड़ दिया कि जाओ बेटा झोला ले जाओ और बीजेपी को वोट दे दो। ऐसा राजनीति भी कहीं हमने देखा हो? मैं तो आज एक सभा में, सुंदरगढ़ का एक सभा में बोल के आया हूँ, अगर राजनीति में कोई चीटिंग का नोबेल प्राइज होते थे, वो नोबेल प्राइज हम पंडियान को दे सकता था। इसीलिए खाली झोला पकड़ के देना, खाली झोला लेके हमको दे देना, ये कितना दिमागी काम होगा आप लोग देखिए। मोदी जी चावल भेज रहा है और पंडियान हमें खाली झोला दे रहा है, कितना दिमाग होगा आप लोग सोच लीजिए। और ऐसा दिमाग को आप अगर उड़ीसा दे देते हैं ना, अगले 5 साल में उड़ीसा को तमिलनाडु में सेल ही कर देगा, ये आप लोग पक्का रहिए। इसलिए उनका इरादा वही है। भाई और बहनों, आज आप लोग नवीन बाबू को देखिए, हर सभा में जाते हैं, खुद माइक नहीं उठा पाता है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भी जीवन में ऐसा समय आएगा जब हम माइक उठा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जो माइक है वो पकड़ने के लिए सारे सार कोर उड़िया में कोई नहीं है क्या? वो माइक पकड़ने का काम भी आप हमें नहीं देगा क्या? आपने डॉक्टर का नौकरी नहीं देते हैं, इंजीनियर का नौकरी नहीं देते हैं, सरकार में पोस्ट खाली है वो भी आप हमें नहीं देते हैं, कम से कम माइक पकड़ने का काम तो हमें दे दीजिए। लेकिन वो काम भी आप पंडियान को देके रखा है। अरे क्या क्या नहीं देगा, कोई 5T का चेयरमैन बना दिया। 5T का मतलब क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, 5T का मतलब ठीक नहीं है और गड़बड़ी वाला मतलब ही है। लेकिन आप कम से कम माइक पकड़ने के लिए तो उड़ीसा का जुबाऊ को जिम्मेदारी दे दिए, ये भी काम आप नहीं देते हो। उड़ीसा का जुबाऊ को आप कुछ विश्वास ही नहीं करते हो, आपका विश्वास खाली एक व्यक्ति के लिए है और किसी के लिए नहीं है। भाई और बहनों, उड़ीसा का अस्मिता के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम उड़ीसा का लोग नवीन बाबू को बताना पड़ेगा कि नवीन बाबू उड़ीसा में भी जुबा है, उड़ीसा का जुबाऊ का अंदर में भी शक्ति है, खाली पंडियान में ही शक्ति नहीं है, हमारा दिल में भी, हमारा पास में भी इतना ही शक्ति है, उड़ीसा के लिए हम भी सेवा कर सकता हूं। लेकिन आज नवीन बाबू सोचते हैं कि उड़ीसा का जुबाऊ का कोई शक्ति नहीं है, माइक भी उठाने के लिए शक्ति नहीं है, उड़ीसा का जुबाऊ में कोई शक्ति नहीं है। भाई और बहनों, हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें चुनाव में जवाब देना पड़ेगा,
हमारा नौकरी क्यों नहीं होते हैं, हमारा युवा क्यों पलायन करते हैं, हमारा माताओं को क्यों कोई स्कीम नहीं मिलते हैं, चुनाव आने से हमको खाली झूला क्यों दिया जाते हैं, हमारा जगन्नाथ का महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार का साबी आप कहां छुपा के रखा है, ये सारे चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा। भाई और बहनों, अभी नवीन बाबू बोल रहा है हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा, आपको कौन मना किया था? आप जब आपका सरकार था तब आपने इलेक्ट्रिसिटी क्यों माफ नहीं दिया? अभी तो आप जाने वाला है, जो भी देने वाला है उड़ीसा को वो मोदी जी ही देगा, और मोदी जी का हाथ से ही उड़ीसा का विकास होगा। अभी आप जाने वाला है, अभी आप कुछ देने का लायक नहीं है। अगर कुछ देने का लायक भी होगा, हमारा विश्वास है आज भी अगर आपका पास कुछ पावर है, वो आपका पास कुछ अधिकार है, आज भी आप कुछ देने वाला लायक है, तो आप हमें नहीं देगा, आप पंडियन को ही देगा, आप हमें कुछ नहीं देगा। आज उड़ीसा का लोगों का ये मालूम हो चुका है। भाई और बहनों, हमारे भुवनेश्वर के लिए अपराजिता जी ने बहुत कुछ काम किया। सांसद बनने का बाद नेशनल हाईवे हो, हमारा मंदिर का विकास के लिए हो, उड़ीसा का अस्मिता के लिए अपराजिता जी ने खूब काम किया और पूरा देश में नाम कमाया। अधिकारी रहने का समय में भी उन्होंने काम किया, सांसद का हिसाब से भी आप लोगों को सेवा किया। मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट होगा, हमें अपराजिता जी को तो हम वोट देगा ही, लेकिन इस बार हमें सिंगल इंजन नहीं चाहिए, अपराजिता सारंगी का साथ साथ हमें विश्व रंजन बराजना जी को भी जिताना है। इसलिए इस बार उड़ीसा में हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं? डबल इंजन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा धान का दाम 3,100 रुपया होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन 500 रुपया का जगह में 3,000 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा माताओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जगन्नाथ मंदिर का साबी बाहर आना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें चाहिए तो आप लोग मन बना लीजिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। हमें इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, वो दूंगा, वो लॉलीपॉप का समय पार हो चुका है। 25 साल आप सीएम रहा, हमें क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं दिया? आज जाने का समय आपको मालूम हुआ कि हमारा लोग कष्ट में है? पहले आपको मालूम नहीं था क्या? जब हमें आप खाली झोला पकड़ दिया था, खाली झोला हमारा हाथ में दिया था, वो समय आपको मालूम नहीं था क्या इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा है? आज हमारा उड़ीसा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में उड़ीसा नंबर वन है, कोयला का भंडार पड़ा हुआ है, फिर भी उड़ीसा सरकार उड़ीसा का लोगों से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है, हमारे पॉकेट का ऊपर डकैती करता है उड़ीसा सरकार। ये सबको सबका मालूम होना चाहिए। उड़ीसा में सबसे ज्यादा देश का कोयला है कि नहीं? उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है कि नहीं? जब हमारा यहाँ में कोयला भंडार है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ता होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन आज पश्चिम बंगाल से भी उड़ीसा का इलेक्ट्रिसिटी का दाम ज्यादा है, आज छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा है, आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा है, असम से भी ज्यादा है। हमारा कोयला नहीं है, हम उड़ीसा से असम कोयला लेके जाता हूँ, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता हूँ, फिर भी असम में इलेक्ट्रिसिटी हम प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया हो, हम अपना सरकार चलाता हो और लोगों को कमती दाम में हम इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता हूं। भाई और बहनों, मैंने आप लोगों को बताया
उड़ीसा और असम, उड़ीसा का जो संपद है असम का संपद उससे 1/3 है, एक तृतीयांश है। उड़ीसा का अगर संपद 10 लाख करोड़ रुपया का है, मेरा 60 लाख करोड़ रुपया का है। लेकिन फिर भी मैंने हर साल में कम से कम हमारा 5 साल का अंदर में 1.5 से 2 लाख लोगों को मैं सरकार में नौकरी देता हूं। अभी भी हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया आते हैं। युवाओं को नौकरी का साथ साथ व्यापार करने के लिए हम 2 लाख रुपया भी देते हैं कि आप लोग व्यापार कीजिए, बैंक से बाद में पैसा लेना, अभी सरकार से पैसा लो और अपना व्यापार करो। आज हमारा प्रदेश में, आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जितना विकास हो रहा है, यहाँ विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। आज सुबह मैं आदिवासी क्षेत्र में गया था, हालत खराब है। उड़ीसा में जितना गरीब लोग है, इतना गरीब लोग भारत का और कोई प्रदेश में नहीं होता है, इतना मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ। भाई और बहनों, उड़ीसा का अंदर में बहुत संभावना है, बहुत संपद है। एक बार मोदी जी को उड़ीसा मिल जाते हैं ना, 5 साल में उड़ीसा देश का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, ये हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, आप लोग डबल इंजन का सरकार बनाइए। ये पांड्या नांदियान का चक्कर छोड़ने का समय आ गया, उनको भी तमिलनाडु भेज देना है। उधर रहो, उधर जो करना है करो, उड़ीसा को छोड़ दो। उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग ही निर्णय करेगा। मोदी जी का नेतृत्व में उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग तैयार करेगा, ये मैसेज इस बार चुनाव में हमें देना है। देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है तो तब याद रखिए, दोनों बैलेट में कमल फूल में सांप लगाना है। एक में लगाने से नहीं होगा, ऊपर में लगाने से नहीं होगा, ऊपर में भी लगाना पड़ेगा, नीचे में भी लगाना पड़ेगा, और 10 जून को बीजेपी सरकार भुवनेश्वर में बनाना पड़ेगा। बनाना है कि नहीं? सबको पूरा है ना? सबको 100%? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। अगर बनाना है तो पूरा संकल्प लेके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, विश्वरंजन बराजेना, विश्वरंजन बराजेना। एकदम जीत रहा है। आप लोग का जो जोश है ना, ये जोश से पता चलता है 10 जून जरूर बीजेपी का सरकार बनने वाला है, पक्का बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है। हम भी आएगा शपथ ग्रहण समारोह में, आप लोग हमको भी बुलाइए, हम लोग भी आएगा शपथ ग्रहण समारोह में, धूमधाम शपथ ग्रहण समारोह होगा और एक नया उड़ीसा निर्माण का काम भी शुरू होगा। जय जगन्नाथ, जय उत्कल।